प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रकरण है अपना प्रकाश का परावर्तन भाग दूसरा है। इस पाठ में क्या क्या है? दर्पण और दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण और उसके द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब, गोली दर्पण के कारण होने वाला आवर्धन। पहले वीडियो में हम दर्पण और दर्पण के प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे बच्चों। तो दर्पण में हमने देखा था कि दो प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में हमने आपको बताया था, आज हम गोली दर्पण के बारे में बताएंगे और गोली दर्पण और उसके द्वारा होने वाले प्रतिबिंब की भी जानकारी देंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। गोली दर्पण क्या है? स्फेरिकल मिरर क्या है? बच्चों आप किसी मेले में गए होंगे तो आप वो जो दर्पण लगा रहता है उसमें आपने अपना चेहरा देखा है, तो आपके चेहरे टेढ़े मेढ़े दिखते हैं, इस प्रकार के दिखते हैं। देखिए ये गोली दर्पण है, ये भी गोली दर्पण है, तो आपके चेहरे मेरे जो अलग अलग दिखते हैं। ये दर्पण घर में जो दर्पण होते हैं उस तरह के न होकर के कुछ बकरी होते हैं। गोली दर्पण से प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब का स्वरूप होता है उस समतल दर्पण के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंबों से कुछ अलग होता है, इसलिए हमेशा के दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब इस दर्पण में नहीं दिखता है। जो बच्चों आप गाड़ी में बैठे, ये गाड़ी है, इसमें देखिए जो ये कांच लगा होता है, ये कांच किस लिए लगा होता है? ये पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए लगा कांच लगा होता है। ये समतल दर्पण नहीं होता बच्चों, ये जब आपके घर में दर्पण उपयोग किया जाता है वो समतल दर्पण न हो करके क्या होता है, गोलाकार होता है, मतलब गोली दर्पण होता है। गोली दर्पण का मतलब ही गोलाकार, गोली दर्पण का मतलब ही क्या होता है बच्चों? देखिए गोली दर्पण ही है, ये गोलीकार स्थिति में है, इस प्रकार की स्थिति को हम गोली दर्पण कहते हैं। आप गोली दर्पण घर पे भी बना सकते हो। एक आप लोग खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते हैं, रबड़ की गेंद ले लो और उसको जो होता है दो भाग में काट लो, या कांच का कोई खोखला गोला ले लो उसको भी काट दो, ए बी में जिसे कांच का खोखला गोला है इसको काट दो, तो देखिए ये गोलाकार ऐसी आकृति जो आपको मिल जाती है। अब उसके आंतरिक पृष्ठ पर, अंदर के भाग पर या बाहर के भाग पर चमकीले पदार्थ का लेपन लगा दो। जब तक एक लेपन नहीं लगाओगे दर्पण तैयार नहीं होगा, क्योंकि इनके आंतरिक या बाह्य भाग से परावर्तन होता है। इस आधार पर अंदर वाले भाग पर लगाए हो कि बाहर वाले भाग पर लेप लगाए हो, इस आधार पर गोली दर्पण के जो होते हैं बच्चों दो प्रकार होते हैं। गोली दर्पण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। यहां पर देखिए लिखा है गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर जिसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो गोली दर्पण के जो प्रकार है बच्चों वो दो प्रकार है। दर्पण के प्रकार में हमने दो प्रकार का दर्पण बताया था, समतल दर्पण और गोली दर्पण। यहाँ गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण आप कैसे पहचानेंगे और उत्तल दर्पण आप कैसे पहचानेंगे कि कैसे पहचानेंगे आप? तो बच्चों अवतल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, ये देखिए
अवतल दर्पण गोली पृष्ठ का आंतरिक भाग चमकदार हो। गोली पृष्ठ का ये देखिए अंदर वाला भाग चमकदार है जिससे किरणें रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आंतरिक पृष्ठ भाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। ये देखिए आप किरणें हैं यहाँ पर जा रही हैं और परावर्तित हो रही हैं। ये जो अंदर की तरफ झुका होता है, अंदर की तरफ जिसका झुकाव होता है वह अवतल दर्पण होता है। और जिसका लिखा है यदि गोली पृष्ठ का आंतरिक भाग चमकदार हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण के आंतरिक पृष्ठ भाग द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण क्या है ये देखिए, उत्तल दर्पण में गोली पृष्ठ का बाह्य भाग चमकदार हो। इसका देखिए बाहर का भाग चमकदार हो, ये पीला पीला दिख रहा है ना, ये पीला भाग, ये चमकीला भाग है और इसका ये चमकीला भाग बाहर की तरफ है। देखिए यहां से किरणें परावर्तित होगी, ये देखिए यहां पर पड़ रही है और यहां से परावर्तित हो रही है। तो चमकीले ही पृष्ठ भाग से परावर्तित होती है। यदि गोली पृष्ठ का बाह्य भाग चमकदार हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। माने अंदर का भाग चमकीला हो वह अवतल दर्पण, बाहर का भाग चमकीला हो तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अब गोली दर्पण से हम कुछ जानकारी आपको देते हैं जो आपने कक्षा 8वीं में भी थोड़ा सीखा था, उसका हम फिर से ध्यान आपको दिलाते हैं। ये जो है ये देखिए गोली दर्पण से संबंधित कुछ चिन्ह है। ये गोली दर्पण है, ये देखिए यहां से यहां भाग ये गोली दर्पण का कहलाता है, गोलाकार भाग। इसमें सबसे पहले ध्रुव देखेंगे क्या है, ध्रुव तो जिसको हम पोल भी बोलते हैं बच्चों। ध्रुव क्या है, गोली दर्पण के पृष्ठ भाग के मध्य बिंदु को। ये देखिए इसका ये गोली दर्पण है समझो, इसका मध्य भाग क्या है, मध्य भाग इसका ये पी है, मध्य भाग इसका क्या कहलाता है, पी है। तो मध्य भाग को हम उसका ध्रुव कहते हैं। तो इसको हम किस बिंदु से लिखते हैं, पी बिंदु से लिखते हैं। ये देखिए दर्पण का ध्रुव है, गोली दर्पण के पृष्ठ भाग के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। दूसरा है इसमें वक्रता केंद्र जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, या कह लीजिए जिसे सर्किल है उसका जो सेंटर होता है केंद्र, वही गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये देखिए वक्रता केंद्र यहां सी से दिखाया गया है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता त्रिज्या जैसे वृत्त की त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पर देखिए सी ए भी त्रिज्या है और सी पी भी त्रिज्या है, सी ए और सी पी दोनों त्रिज्या है, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसमें दो त्रिज्याएं दिख रही हैं, कौन कौन सी हैं बच्चों, देखिए सी ए और सी पी, यहाँ पर देखिए सी ए है, यहाँ पर सी ए और यहाँ पर ये सी पी, दोनों त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर मुख्य अक्ष दिया है बच्चों। मुख्य अक्ष क्या होता है, गोली दर्पण के ध्रुव, ये गोली दर्पण का ध्रुव क्या है, पी, और वक्रता केंद्र क्या है, सी, से जाने वाली सरल रेखा गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको हम पीएम से लिखते हैं, यहां से ये गोली दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इससे जाने वाली जो रेखा होती है ए जा रही है, रेखा देखिए आगे जा रही है, यही मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष को हम किससे लिखते हैं, एम और पी से लिखते हैं। पीएम जो होता है ये मुख्य अक्ष कहलाता है, पीएम क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। ये जो
सबसे बड़ी त्रिज्या होती है, आप गणित में पढ़ते हैं जो व्यास कहलाती है, उसी व्यास को आगे बाहर निकाल दो, वही कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद है मुख्य नाभि, जिसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर गोली दर्पण के सम्मुख एक विशिष्ट बिंदु क्या है, यफ, यहां पर ये देखिए यफ है, यफ पर एकत्र होती हैं। इस बिंदु को अवतल दर्पण की मुख्य नाभि कहते हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य के समानांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात गोली दर्पण के पीछे मुख्य अक्ष के एक विशिष्ट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को उत्तल दर्पण की भी नाभि कहते हैं। उत्तल दर्पण की नाभि ये बिंदु है यफ। इसके बाद एक बचता फोकल लेंथ, जिसको हम बोलते हैं नाभ्यांतर। गोली दर्पण की ध्रुव और मुख्य नाभि के बीच की दूरी। तो गोली दर्पण का ध्रुव क्या है, पी, और मुख्य नाभि के बीच की दूरी यही एफ है। इसी दूरी को मुख्य नाभि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, नाभ्यांतर बोलते हैं। इसको भी इस कैपिटल एफ से ही लिखते हैं। ए नाभ्यांतर जो होता है वो कैसे होता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या यहाँ पर क्या है, सीपी है, सीपी वक्रता त्रिज्या है, ये सीपी का आधा होता है। सीपी का क्या होता है, आधा होता है। ए सीपी का आधा मतलब सीएफ और एफपी का मान क्या होगा, बराबर होगा। नाभ्यांतर वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये परावर्तित किरणों का आरेखन हम कैसे करते हैं बच्चों, परावर्तित किरणों का आरेखन। अब एक चित्र के द्वारा हम आपको बताएंगे ये परावर्तित किरणों का आरेखन। जो आपने नियम पढ़ा है ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के ही ऊपर आधारित है। ये देखिए ये कैसे होता है, यहाँ पर एक जीआईएफ ही हम दिखा रहे हैं। ये जो चलता हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ पर एक किरणें हैं, यहाँ पर जाके टकराती है फिर वापस लौटती हैं। यहाँ पर गोली दर्पण पर आने वाली किरण किस दिशा में परिवर्तित होती है, इसे हम कैसे निश्चित करेंगे। यहाँ पर एक गोली दर्पण है यम यन, ये देखिए गोली दर्पण है यम और यन, ये गोली दर्पण है। यमयन क्या है, गोली दर्पण है। यमयन के बिंदु क्यू पर, यहां पर ये बिंदु क्यू है, ए क्यू आपतित किरण है। ये देखिए ये आपतित किरण है, यहां पर ए क्यू क्या है, आपतित किरण है। गोली दर्पण की एक त्रिज्या क्या है, ये देखिए सी है और क्यू, ये सी क्यू क्या है, त्रिज्या है। यहां पर ये सी क्यू क्या है बच्चों, त्रिज्या है। इसलिए बिंदु क्यू पर, यहां बिंदु क्यू पर सी क्यू गोली दर्पण का अभिलंब होता है और कोण ए क्यू और सी, ये जो कोण है वो आपतन कोण होता है। ये कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। ये देखिए परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, ये वाला कोण, तो किरण ए क्यू का परावर्तन मार्ग क्या हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा। तो सी क्यू बी जो होता है वो परावर्तन कोण हो जाएगा। सी क्यू बी परावर्तन कोण है और ए क्यू सी आपतन कोण है। ये दोनों का मान क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए परावर्तन के नियम के अनुसार। तो गोली दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो
परावर्तन के नियम के आधार पर होता है। तो परावर्तन के आपने तीन नियम पढ़ा था बच्चों, इसमें भी परावर्तन के तीन नियम हैं। कौन कौन से मैं आपको बताते हैं, ये देखिए। नियम पहला है कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है। इस चित्र में आप देखते हैं, देखिए आपतित किरण है, आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित कहां जाती है, मुख्य नाभि से होकर जाती है। मुख्य नाभि इसकी एफ है, मुख्य नाभि इसकी क्या है, एफ से होकर जाती है। कहां से होकर बच्चों जा रही है, एफ से होकर के जा रही है। मुख्य नाभि को एफ बिंदु से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ से जा रही है, ये नियम है पहला। दूसरा क्या नियम है, दूसरा नियम है कि यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से जाती है, माने आपतित किरण यहां से जाएगी, मुख्य नाभि से जाती है, तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। ये देखिए, ये नाभि से जाती है आपतित किरण, ये देखिए आपतित किरण है, ये आपतित किरण कहां जा रही है, यहां से मुख्य नाभि से होकर जा रही है। ये जो परावर्तित किरण हो रही है वो कहां जा रही है, ये मुख्य अक्ष इसका यही है, इसके समानांतर जा रही है। ये पीसी को आगे बढ़ाते ये मुख्य अक्ष कहलाता है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। कि अगर यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है तो परावर्तित किरण जो होती है कहां से होकर जाती है, अक्ष के समानांतर से होकर के जाती है। जो तीसरा नियम है बच्चों वो है कि यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र माने सी से जाती है तो परावर्तित किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये देखिए, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण सी से जा रही है, इसी से परावर्तित भी हो जा रही है उसी मार्ग से, बिना मार्ग बदले हुए। यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तित किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो परावर्तित किरणों का आरेखन किस प्रकार से करेंगे, इसको आप ध्यान में रखना। नियम है, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तित किरण कहां से जाएगी बच्चों, नाभि से होकर जाएगी। यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तित किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब अवतल दर्पण द्वारा जो प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, इसके बाद हम उत्तल दर्पण के द्वारा बताएंगे। अवतल दर्पण द्वारा जो बच्चों हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब, ये देखिए बच्चों, वस्तु को आप कहां कहां रखेंगे। अगर हम एक चित्र में यहां पर ए बी जो होता है, देखिए यहां पर ए बी है वस्तु की स्थिति, इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, देखिए ए डैस बी डैस इसका प्रतिबिंब है, ए डैस बी डैस इसका क्या है, प्रतिबिंब है। ए बी ये अवतल दर्पण है, क्या है बच्चों, ये अवतल दर्पण है, उधर चित्र बन भी रहा है, आप बगल में देख सकते हैं कैसे बन रहा है। ए बी जो होता है अवतल दर्पण यमन के सम्मुख नाभि, नाभि और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी हुई है। ये देखिए वक्रता केंद्र और नाभि के बीच में वस्तु है, तो ए से जो निकल रही है, ए से निकलने वाली और नाभि से जाने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात अक्ष के समानांतर एएस, ये देखिए एएस, एएस मार्ग पर परावर्तित होती है और मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली आपतित किरण एसटी जो होती है, एस
और ये टी है यहाँ पर, एस और टी यहाँ पर देखिए। परावर्तन के पश्चात नाभि से एक क्यू आर मार्ग पर, ये देखिए क्यू है ए आर है, इधर से देखिए क्यू आर मार्ग पर, दूसरे चित्र में स्पष्ट दिख रहा है बच्चों बनाते हुए, क्यू आर मार्ग से जाकर परावर्तित किरण को ए डैश बिंदु पर, यहां पर देखिए परावर्तित किरण को ए डैश बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, अर्थात बिंदु ए का प्रतिबिंब बिंदु ए डैश पर निर्मित होता है और बिंदु बी मुख्य अक्ष पर स्थित होने के कारण उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर ही होगा। ये देखिए बी है मुख्य अक्ष पर ही होगा, इसका प्रतिबिंब बी डैश है और वस्तु ए बी वस्तु का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब जो होता है निर्मित होता है। तो बच्चों इस प्रकार से कि अवतल दर्पण के सम्मुख किसी वस्तु की नाभि और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से ही परे प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा बच्चों आप देख रहे हैं, ये सीधा है और ये क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा, ये देखिए यहां भी उल्टा बन रहा है, ये प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा। और मूल वस्तु की तुलना में जो ए बी की लंबाई है ए डैश बी डैश की लंबाई अधिक है, तुलना में बड़ा होता है। परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर वस्तु यहां पर कहां पर रखी है बच्चों, नाभि और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से अगर वस्तु दर्पण के सम्मुख ध्रुव और नाभि के बीच में हो, या देखिए सम्मुख ध्रुव है P और नाभि है F, यहां पर अगर वस्तु रखी है इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो A से निकलने वाली जो किरणें हैं बच्चों अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण AQ और A को वक्रता केंद्र से जोड़ने वाली दिशा में जाने वाली किरण A, ये आपतित किरण है, इन किरणों का भी परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात इनका प्रतिबिंब A डैश और B डैश, यह प्रतिबिंब देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है, ये दर्पण है वस्तु सामने है लेकिन प्रतिबिंब क्या है बच्चों, पीछे है, प्रतिबिंब क्या है, पीछे है, सीधा बनता है, वस्तु की तुलना में थोड़ा बड़ा बनता है। ये देखिए यहां पर बन रहा है, कैसे बन रहा है देख रहे हैं, आकार में बड़ा होता है, यहां पर परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती लेकिन दर्पण के पीछे एकत्र होकर आती हुई प्रतीत होती है, यथा यह भी इमेज जो बनती है वो आभासी बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो वस्तु की स्थिति है अवतल दर्पण के, कहां कहां हम रखते हैं और उसकी कैसी कैसी इमेज बनती है, इसको हम एक चार्ट के द्वारा आपको बताएंगे बच्चों। ये देखिए ये कान के मिरर में है, वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनती दिखाई देगी आपको। तो जब वस्तु का स्थान ध्रुव और नाभि के मध्य होता है, जब वस्तु का स्थान ध्रुव और नाभि के, प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का स्वरूप आभासी और सीधा होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनता है,
जब नाभि पर होती है वस्तु तो प्रतिबिंब का स्थान अनंत दूरी पर बनता है, वास्तविक उल्टा होता है और ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होता है। वक्रता केंद्र और नाभि के मध्य में होता है, तो अभी आपने देखा था इसको, तो वक्रता केंद्र से परे वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु का स्थान होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक और उल्टा होता है, मूल वस्तु के बराबर होता है। वक्रता केंद्र से परे है अगर वस्तु तो वक्रता केंद्र और नाभि के मध्य बनता है, वास्तविक उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। वक्रता केंद्र से बहुत दूर अनंत दूरी पर होता है तो प्रतिबिंब का स्थान क्या होता है, नाभि पर होता है और वास्तविक उल्टा होता है और बिंदु बिंदु रूप में होता है। किस रूप में होता है बच्चों, बहुत छोटा सा बनता है, बहुत छोटा सा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाला जो प्रतिबिंब है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर यमियन जो है ये उत्तल दर्पण है। क्या प्रतिबिंब बच्चों, उत्तल दर्पण है। इसके सम्मुख उत्तल दर्पण है, इसका बाहरी भाग देखिए, बाहर वाला भाग है, ये भी वस्तु है। इसके सम्मुख रखी गई है तो बिंदु ए से जो निकलने वाली किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण ए क्यू है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली किरण है ए क्यू, यही देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, ए क्यू है। रेखा से जबकि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण को ए आर है, ये वक्रता केंद्र से जाने वाली, ये देखिए वक्रता केंद्र से जाने वाली इधर है, ए आर रेखा से दर्शाया गया है। आकृति द्वारा स्पष्ट है कि दोनों आपतित किरणों का परावर्तन कैसे होता है। यहाँ पर वस्तु का ए डैश बी डैश देखिए प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। ए कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा और वस्तु से छोटा भी बनता है। उत्तल दर्पण से ये देखिए यहाँ पर बन रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंबों के स्वरूप वस्तु से छोटे आकार के होते हैं और दर्पण के पीछे निर्मित होते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब है, इनकी जो परावर्तित किरणें होती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, परंतु वे दर्पण के पीछे एकत्र होकर के आती हुई प्रतीत होती है। इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी होता है। ये देखिए जैसे यहाँ पर देखिए किरणें जो होती है, ये दूसरे चित्र में यहाँ पर किरणें दिखाई दे रहे, इस पड़ रही है किरणें इधर बाहर जा रही है, दर्पण के पीछे एकत्र होती हुई ये प्रतीत होती है। तो कैसा बनता है प्रतिबिंब, आभासी बनता है। तो हम लोग सीख रहे थे प्रकाश का परावर्तन भाग दो, प्रकाश का परावर्तन भाग एक सीखा हम लोगों ने, इसके बाद प्रकाश का परावर्तन जो है भाग दो सीखा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। अगले वीडियो में बच्चों हम प्रकाश का अपसरण और अभिसरण, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट के बारे में सीखेंगे, अवतल दर्पण के गुणधर्म के बारे में जानेंगे, दर्पण का सूत्र क्या होता है और गोली दर्पण द्वारा होने वाला आवर्धन और उस पर प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे ये हम प्रकाश के परावर्तन भाग तीन में सीखेंगे। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन भाग दो में आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है
आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।